Poi pensa almeno una cena. नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम वंदे मातरम में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ श्रेया पाठक। आजादी के 67 साल बाद भी देश की राजनीति जात पात से मुक्त नहीं हो पाई है। राजनीतिक पार्टियां चाहे लाख दावे करें लेकिन राजनीति जात पात से आगे बढ़ती हुई दिखाई नहीं दे रही। अंबेडकर की जन्मस्थली महू से राहुल गांधी का जात पात खत्म करने का ऐलान भी राजनीति से प्रेरित है। क्या है ये राजनीति और क्या संदेश देने की कोशिश की गई है राहुल गांधी की ओर से, इसका कितना असर पड़ेगा, आज हम वंदे मातरम में इसी बात पर चर्चा करेंगे। और हमारे साथ खास मेहमान इस चर्चा में जुड़ेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड से बीएसपी नेता तौशीफ खान, इसके अलावा हमारे साथ मौजूद होंगे सपा से वरिष्ठ नेता यशवीर सिंह और गोविंद मालू जी प्रवक्ता बीजेपी हैं, और इसके अलावा नेता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ेंगे देवेंद्र प्रताप सिंह, और इन सबके अलावा जो हमारे साथ मौजूद होंगे राजनीतिक विश्लेषक संजय पंकज जी, और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है मुकेश कुमार जो कि हमारे चैनल के एडिटर है, उनसे हम बातचीत करेंगे और हर एक पहलू को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार राजनीतिक पार्टियों ने एक बार फिर से क्यों अंबेडकर का राग अलापना शुरू किया है। अंबेडकर की जन्मस्थली पहुंचे राहुल, अंबेडकर के बहाने दलित वोट की राजनीति, राहुल ने कहा जातिवाद छोड़े युवा, आईआईटी मुंबई के दलित छात्र फोरम को बैन करने का मुद्दा उठाया। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी मध्य प्रदेश में संविधान के निर्माता भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली महू पहुंचे थे। मौका था अंबेडकर की 125वीं जयंती का। इस दौरान राहुल गांधी ने अपना दलित कार्ड खेला है। पेश है हमारी खास रिपोर्ट। बाबा साहब के योगदान को देश और जाति की सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता। देश की राजनीति में हाशिए पर पहुंच चुकी कांग्रेस को अब अंबेडकर याद आ रहे हैं। स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी के महू दौरे के 24 साल बाद राहुल गांधी पिछले दिनों अंबेडकर की जन्मस्थली महू पहुंचे। मौका था अंबेडकर की 125वीं जयंती के अवसर पर एक साल तक चलने वाले कार्यक्रम का। महू से देश को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने युवाओं से जातिवाद को मिटाने की लड़ाई में सहयोग देने की अपील की। मैं आज सब युवाओं से एक अपील करना चाहता हूं कि जातिवाद के खिलाफ अब वो चुप ना रहे। अंबेडकर के सपने को पूरा करने की बात के बाद राहुल गांधी ने आईआईटी मुंबई में दलित विंग को बंद करने के बहाने मोदी सरकार पर भी निशाना साधा। कुछ छात्रों की आवाज को सिर्फ इसलिए दबाया जाता है क्योंकि वो अंबेडकर पेरियार स्टडी सर्कल से जुड़े हुए हैं, तो ये घटना बताती है कि कुछ लोगों के अधिकार आज भी छीने जा रहे हैं। और इसी के साथ ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि आईआईटी मुंबई और अंबेडकर के सपने को पूरा करने के बहाने राहुल गांधी ने दलित का जो कार्ड खेला है उसका फायदा कांग्रेस को आने वाले विधानसभा चुनाव में कितना मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, साधना न्यूज। तो एक वक्त था जब अंबेडकर पर मायावती और बीएसपी ही अपना हक जमाती थी, लेकिन आज कांग्रेस और बीजेपी भी दम भरती है कि अंबेडकर हमारे हैं। क्या जरूरत बन गई है इस समय राजनीतिक माहौल की कि अंबेडकर को हर कोई जल्द से जल्द अपनी झोली में लेना चाहता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ विशिष्ट मेहमानों का पैनल है, लेकिन शुरुआत मैं करना चाहूंगी नेता कांग्रेस से। देवेंद्र प्रताप सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवेंद्र जी, अगर दलितों की बात की जाए तो दलितों की संख्या भारत में 20 करोड़ के पार है। सवाल ये खड़ा होता है कि क्या यही वोट बैंक है जो कि राहुल गांधी को दिल्ली से मध्य प्रदेश के महू ले आई। बहुत अच्छा विषय आपने चुना है। इस विषय को चुनने के लिए मैं सबसे पहले साधना न्यूज चैनल को धन्यवाद देता हूँ। यार, इतने विशेष कार्यक्रम में आज हमें आपने बुलाया है अपने मेरे कुछ भावनाओं को शेयर करने के लिए। निश्चित तौर पर मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के उपाध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से आज महू में जाकर के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जन्मस्थली पर जिस तरीके से 67 साल के देश की आजादी के बाद में जिस तरीके से जातवाद को तोड़ने के लिए
हमारे देश के युवाओं को, हमारे देश के नागरिकों का जो आह्वान किया है, ये बहुत ही स्वागत योग्य है जी। हम देवेंद्र जी ये बताइए, देवेंद्र जी ये बताइए, जात पात को हटाने के लिए कह रहे हैं वो जो ऐलान किया जा रहा है राहुल गांधी की तरफ से जात पात को मिटाने के लिए, लेकिन जिस तरीके से संदेश दिया जा रहा है वो तो जात पात को बढ़ा रहा है। खत्म होते तो कहीं दिखने लिए दलित कार्ड, चुनाव सामने है तो आपने अंबेडकर की याद आ गई आपके नेता को, दलित कार्ड खेला जा रहा है खासतौर पर जी। मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानता हूँ आदरणीय राहुल गांधी जी, आपके हाथ से जब केंद्र की सत्ता छिनती दिख रही है तो आज हमारे बाबा भीमराव अंबेडकर की, जिन्होंने हमें भारत वर्ष में पूरा मान सम्मान दिलाया और वोट का अधिकार दिलाया, तो आज उन लोगों के पेट में दर्द होगा। आज आप लोगों ने 65 साल में तो आप कितनी आप जब तक आप कांग्रेस सेंटर में बैठे तौसीफ साहब आपको मौका नहीं लगा। अभी अभी देवेंद्र सिंह को जरा अपनी बात खत्म करने दीजिए, राहुल गांधी तौसीफ साहब अभी देवेंद्र जी को अपनी बात खत्म करने दीजिए, फिर आपको मौका मिलेगा। पहले मुझे अपनी बात खत्म करने दीजिए मान्यवर, तब आप अपनी बात रखिए। हम समझते हैं कि देश की जंग आजादी के बाद जब देश में लोकतंत्र बहाल हुआ था उसी समय इस जातिवादी व्यवस्था को समाप्त होना चाहिए था। जिस तरीके से हमारा देश अनेकों जात धर्म मजहब संप्रदाय में बना हुआ है, उसके बाद भी देश निश्चित तौर पर 67 साल में जी देश बहुत तरक्की। देखिए भाषण देने के लिए नहीं, आप ये बताइए जो अंबेडकर की जन्मस्थली पे राहुल गांधी ने जो जात पात खत्म करने की बात करी है, क्या आपके पार्टी के भीतर इसको फॉलो किया जाएगा? जब टिकट देने की बात आएगी तो क्या जात पात से हटके टिकट में टिकट का बंटवारा होगा, या उस समय भी फिर वही फार्मूला अपनाया जाएगा जो अब तक अपनाया जाता रहा है, जिस क्षेत्र में जिस जात की प्रमुखता होती है, बाहुल्य होता है, संख्या बल होता है, उसी जात के प्रत्याशी को टिकट दिया जाता है आमतौर पर? आप ही नहीं, सभी पार्टियों से यही सवाल हमारा, आप इस पर सोचिए। हम आपसे तौसीफ साहब जो हमारे साथ बैठे हुए हैं बीएसपी के नेता हैं उनसे बात जवाब लेना चाहेंगे जी। तौसीफ साहब बताएं, बात करते हैं। इससे पहले बाबा भीमराव अंबेडकर कहां चले गए थे? सिर्फ बाबा भीमराव अंबेडकर जी के जन्मदिन पर चार मालाएं पहना दी जाती थी। आज जब इनके हाथ से सत्ता छीनती दिख रही है, आज जब इनके हाथ से दलित कार्ड छिनता दिख रहा है, तो आज ही हमारे बाबा भीमराव अंबेडकर की जन्म स्थली नहीं याद आ रही है। इससे पहले कहां थे वही तो हम कह रहे हैं। नहीं तौसीफ साहब, आपसे आप तो अंबेडकर की आप लोग तो अंबेडकर को लेकर के चलते आ रहे थे शुरू से, अंबेडकर के नाम पे राजनीति करना, अंबेडकर जी का सपना था जात पात खत्म करने का। हाँ, वही कितना खत्म किया आपकी पार्टी ने, तो बढ़ा ही दिया। हमारे साथ राजनीतिक विशेषक संजय पंकज जी, जिस तरीके से कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि जात पात नहीं होना चाहिए, आह्वान किया है, नहीं होना चाहिए, सबको पता है। जब हम बात करते हैं, जब हम लेख लिखते हैं तो जरूर लिखते हैं कि जात पात होनी नहीं चाहिए, लेकिन जब धरातल पे आते हैं राजनीति में, जब टिकट देने की बात आती है तो जात पात से आगे बात नहीं निकल पाती है। चुनाव का मौसम आते ही राजनेताओं के बीच से एक सरगर्मी चालू हो जाती है और ये केवल बोलते हैं, जात पात तोड़ने की बात केवल बोलते हैं, इसका प्रभाव व्यापक इसलिए नहीं पड़ता है कि शब्द को जब आचरण का बल मिलेगा। अंबेडकर साहब ने सचमुच पूरी ईमानदारी के साथ एक मसीहा की तरह, एक चिंतक की तरह, भविष्य दृष्टा की तरह जाति पात मुक्त एक समरस समाज की स्थापना की बात की थी और उसके लिए अपने आप को आहूत भी किया था, समर्पित भी किया था। लेकिन आज की वोट की जो राजनीति है, उस राजनीति में चाहे जिस भी दल के लोग हों, जबकि इतिहास साक्षी है, जब भी इस देश में ऐसा मौका आया जात पात से ऊपर उठकर देश में एकजुटता का स्वर बुलंद हुआ, चाहे वह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम हो या फिर उसके आगे बढ़ती हुई लोकनायक जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति का आह्वान हो, उस दौर में भी जाति पाति से मुक्त समाज के लोग, सब लोग आगे बढ़कर आए थे और नकारात्मकता के विरुद्ध, अंधकार के विरुद्ध एक सही राजनीति को दिशा देने का काम किया था। ये राजनेता समय समय पर इसी तरह का वितंडावाद खड़ा करते हैं, जबकि उसके पीछे उनका एक रहस्यात्मक हिडन एजेंडा होता है। संजय जी सही कह रहे हैं कि जयप्रकाश जेपी आंदोलन के दौरान जो है वो जात पात से ऊपर उठ के सब लोग एक मंच पे आए थे, लेकिन इस आंदोलन से उपजे जितने भी नेता आज हैं, चाहे वो लालू प्रसाद यादव हो, नीतीश कुमार हो, मुलायम सिंह हो या और भी हो, सभी लोग
जात पात की राजनीति ही कर रहे हैं। देवेंद्र जी हमारे साथ, यशवीर सिंह, डॉक्टर यशवीर सिंह जी हमारे साथ हैं, आपसे जानना चाहेंगे डॉक्टर यशवीर सिंह कि क्या रीजनल पार्टी, जो क्षेत्रीय पार्टियां होती हैं, क्या उनकी राजनीति का आधार जात पात ही है? क्या जात पात के आधार पर ही रीजनल पार्टियों का जो उदय हुआ है, ये जो बढ़ रही है रीजनल पार्टियां, उनका आधार सिर्फ जात पात है और इसी कारण जात पात से मुक्त नहीं हो पा रही है राजनीति? मैं पहले तो ये बता दूं, डॉक्टर अंबेडकर साहब ने कभी नहीं चाहा कि जाति मुक्त समाज होना चाहिए। सन 32 में जब पहला रिजर्वेशन हुआ था, उन्होंने शेड्यूल ट्राइब को भी रिजर्वेशन नहीं देने दिया था, केवल 10% रिजर्वेशन शेड्यूल कास्ट को मिला था। इसलिए ये कहना कि उन्होंने इस तरह की पूना पैक्ट में शेड्यूल्ड कास्ट के लिए था, लेकिन जब दूसरे पूना पैक्ट में कब, जब उनको अंग्रेजों ने अलग से दे दिया था, तब गांधी जी अंबेडकर के साथ उनका था कि आप रहो, तब जाति के आधार पर राजनीति लेकर के ही वो आए थे और 10% रिजर्वेशन शेड्यूल्ड कास्ट को दिया गया था। बहुत से लोगों ने सवाल उठाया कि शेड्यूल्ड ट्राइब उनसे भी ज्यादा खराब है, तो अंबेडकर साहब ने कहा था, देखिए शेड्यूल्ड ट्राइब को नहीं, मैं केवल शेड्यूल्ड कास्ट की बात कर रहा हूं। इसलिए ये कहना कि अंबेडकर साहब जाति विहीन समाज क्यों ले समाज की स्थापना चाहते थे, मैं ऐसा नहीं मानता। दूसरी बात, आप कह रहे जाति, डॉक्टर लोहिया हूं और बड़े विचारक हूं, जयप्रकाश जी हूं, सबने कहा कि जाति विहीन समाज बनाना चाहिए, लेकिन जात इस देश की एक बहुत कड़वी सच्चाई है। यहां धोबी है, यहां कुम्हार है, यहां बढ़ई है, यहां लोहार है, यहां धीवर है, यहां जात नहीं है, जात एक पेशा भी है इस देश में। ठीक है जातियां हैं, लेकिन इस पेशे को तोड़ना इतना आसान नहीं, और जब तक पेशा नहीं तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? क्या मैं तो कहता जो भी जन नेता हुआ है, देखिए लोकतंत्र में जन नेता की कोई जाति नहीं होती। जवाब अभी दे दूंगा। मेरा मानना, अंबेडकर साहब अगर चाहते संविधान में लिख जाते सरकारी नौकरी केवल उसको मिलेगी जो इंटरकास्ट शादी करेगा, अब तक जात टूट गई होती। लेकिन जो चीज अभी होने की बात, अभी की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी ने मऊ में जो कहा है उस संदर्भ में बात कर रहे हैं, उस संदर्भ में बात कर रहे हैं। मैं कहूँ, उन्होंने जो कहा जाति विहीन होना चाहिए, मैं भी कहता हूँ जाति विहीन होना चाहिए। उन्होंने कोई बहुत बड़ी बात नहीं की, बहुत लोगों ने कहा इस देश में, और अच्छी बात है वो वहां पर गए। एक बहुत, आप जब कहते हैं तो आपकी पार्टी की जो आइडियोलॉजी है, जो आपकी पार्टी की, डॉक्टर लोहिया समाजवाद, डॉक्टर लोहिया समाजवाद के लिए कहते आए जाति विहीन समाज होना चाहिए, ऐसा नहीं, बुनियाद रखी। समग्रता में किसी महापुरुष की भाषा का अध्ययन नहीं कर पाते हैं, उनके दृष्टिकोण का भी मूल्यांकन नहीं करते हैं। किसी समय आर्थिक कारण से, सामाजिक कारण से, शैक्षणिक कारण से कुछ पिछड़ी जातियां रही होंगी, जबकि अभी इन्होंने कहा कि कर्म के आधार पर जातियों को देखना चाहिए, लेकिन धीरे धीरे कर्म के आधार पर हमने देखना बंद कर दिया। छुआछूत का भाव विकसित हुआ, फिर अस्पृश्यता का भाव विकसित होता चला गया, और इसके बाद जातियों के नाम पर द्वंद्व और संघर्ष शुरू हो गया, जबकि अमीर और गरीब में एक विभाजन रेखा समझ में बात आती है कि गरीब हर जाति में है, अमीर हर जाति में है। तो रिजर्वेशन का भी बितंडाबाद खड़ा करके इस देश को बार बार बितंडाबादों से बर्बाद किया गया। जब चुनाव की राजनीति होती है, जब लोकतंत्र में चुनाव की राजनीति होती है, तो लोग एक नारा, एक लाइन, एक ऐसा खोजते हैं जिसके आधार पे, आप याद कीजिए 69 में इंदिरा गांधी जब हाशिए पे थी, अपनी पार्टी के भीतर ही उनका विरोध हो रहा था, तो वो गरीबी हटाओ लेकर के आई थी। गरीबी तो नहीं हटा, ना गरीब बढ़ते चले गए, ना गरीबी घटी, लेकिन उस नारे से, उस लाइन, गांधी को, इंदिरा गांधी को इतना फायदा हुआ जो अगली बार वो पूर्ण बहुमत में चली आई, अपने बूते पे सरकार बनाने में कामयाब। मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी भी जो अभी जो आज जो ये बात बोले हैं, वो उनकी भी लाइन यही है, उनकी राजनीतिक मंशा यही है कि ये लाइन क्लिक हो जाए, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी और मोदी जिस तरीके से काम कर रहे हैं और जिस तरह से उनका प्रचार प्रसार हो रहा है, उनको इस बीच में अपनी लाइन खोजने, अपने लिए स्पेस खोजना मुश्किल हो रहा है। इसलिए शायद मुझे जो लग रहा है, मैं आपसे जान, ये पॉलिटिकल लाइन है केवल, मैं नहीं समझता कि इस चीज का किसी को फायदा होने वाला है। और हमारे साथ देवेंद्र प्रताप जी, हमारे साथ देवेंद्र प्रताप जी, एक इसलिए बता दो बिल्कुल कि आज महाराष्ट्र का खासतौर से दलित समाज जिस तरह बटा हुआ है, पहली रिपब्लिकन पार्टी महाराष्ट्र में ही बनी थी, और वो किस तरह टुकड़ों में बटी, उसका आज 4 के बजाय 16 हो सकते हैं, आज दलित समाज भी भटका, उसके बाद राजनीति में ही भटका। नहीं, बात मैं सिर्फ दलित समाज की नहीं कह रहा हूं, देखिए जात केवल एक बात कह रहा हूं, हमारे लाभ आज स्थिति यह है, उत्तर प्रदेश में भी देख रहे हैं दलित समाज के नाम पर एक नई पार्टी सामने उभर करके आई,
बिल्कुल देवेंद्र जी हमारे साथ, देवेंद्र जी हमारे साथ हैं, देवेंद्र प्रताप सिंह जी नेता कांग्रेस, वो कुछ बताओ जी देवेंद्र जी बताएं। देखिए राहुल गांधी जी की मंशा बिल्कुल राजनीति से प्रेरित नहीं है। राहुल गांधी जी एक बिल्कुल साफ दिल के सहृदय आदमी है। जिस तरीके से राहुल गांधी जी, यदि ये कहा जाए कि राहुल गांधी जी राजनीति के लिए सत्ता के लिए, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कांग्रेस ये वो पार्टी है जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया, उनको विधि एवं न्याय मंत्री भारत की आजादी के बाद में प्रथम सरकार में बनाया। कांग्रेस के शुरू से सर्वधर्म संभाव की राजनीति रही है। शोषित पीड़ित वंचित असहाय जो समाज से बीकर सक्षम है उनको अपलिफ्टमेंट करने का, उनको एम्पावरमेंट करने की राजनीति किया है। आज राहुल गांधी जी की जो महू में जाकर के जो देश के नागरिकों को, देश के युवाओं को, देश के नागरिकों को जो ये आह्वान किया है, जात तोड़ो समाज जोड़ो, ये एक सच्चे सामाजिक न्याय का। देवेंद्र प्रताप जी मुझे लग रहा है, मुझे लग रहा है जो राहुल गांधी जी ने कहा है कि जो जात पात मुक्त देश चाहिए, समाज चाहिए, युवाओं को आह्वान किया, और जो बीजेपी ने चुनाव के दौरान कहा था कि कांग्रेस मुक्त देश चाहिए, जनता किसके पीछे है वो तो रिजल्ट के बाद पता चल रहा है। हमारे साथ जो बीजेपी के प्रवक्ता है श्रेया, मुझे लगता है कि वो भी कुछ बताना चाह रहे हैं। गोविंद, मुझे सवाल मेरा यही होगा कि आप क्या कहेंगे जिस तरह से पूरा राजनीतिक परिपेक्ष बन रहा है, और बिहार की अगर बात की जाए तो 16% दलित वोट वहां पर आता है, और आपने भी वहां पर दलित कार्ड खेलने की पुरजोर कोशिश की। देखिए देश ने एक नई करवट ली है, और मेरे जितने मित्रों ने, चाहे कांग्रेस के हों चाहे बसपा के हों, देश में आजादी के बाद से केवल वोट बैंक की राजनीति की, अल्पसंख्यकों के नाम पर, दलितों के नाम पर जी। अब एक पीढ़ी जो वो दौर था निरक्षरता का, और एक पीढ़ी थी जो अंधे होकर कांग्रेस का समर्थन करती थी आजादी की लड़ाई का, के बाद जिस तरह कांग्रेस ने दोहन किया है भावनात्मक रूप से जनता का, उसकी वो जो पीढ़ी थी वो पीछे छूट गई, और एक युवा पीढ़ी, युवा भारत, 40 वर्ष तक का जी के उम्र की आबादी का बड़ा भारत अब कैरियर की तरफ देख रहा है, अब देश के विकास की तरफ देख रहा है, वैश्विक परिदृश्य में अपनी उपस्थिति की तरफ देख रहा है। वो जातिवाद, इस तरह के वितंडावाद, इस तरह की छोटी सोच, इस तरह की संकुचित सोच, उसकी तरफ उसका ध्यान नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी सबसे अग्रणी राजनीतिक पार्टी है जिसने शुरू से सामाजिक समरसता का बीड़ा उठाया। जी जी। इस चुनाव ये जब लेकिन मालू जी चुनाव के दौरान तो कभी भी आपके नेता ये बात कहते नहीं दिखे, कांग्रेस मुक्त भारत ही कहते रहे, जात पात मुक्त भारत की बात या समाज की बात कभी किसी चुनाव प्रचार में हमने तो नहीं सुना। कम से कम आपके मुंह से मानो सामाजिक समरसता के बाद अच्छी नहीं लगती है। चुनाव के बाद पूरे परिदृश्य का एक बिंदु, केवल एक उदाहरण बताता हूँ, महाराष्ट्र के चुनाव के बाद, हरियाणा के चुनाव के बाद, झारखंड के बाद जो वहां मुख्यमंत्री बनाए गए वो कुशल प्रशासक के रूप में, कुशल नेतृत्वकर्ता के रूप में बनाए गए, न कि संतुष्टिकरण के रूप में जाति की व्यवस्था को लेकर, या वहां किस जाति के लोग ज्यादा हैं उसको ध्यान में रखकर बनाए गए। ठीक है, मुख्यमंत्री आपने बनाया जीतने के बाद, लेकिन जो प्रत्याशी उतारे थे आपने, आप मालूम जो प्रत्याशी चुनाव में उतारे थे, जिनके बूते आप सरकार बनाने में कामयाब हुए हैं, वो तो जाति के आधार पर ही उनका सिलेक्शन हुआ था ना, इससे कैसे इनकार करेंगे आप। नींव और वो रखी है भारतीय जनता पार्टी ने, इसलिए राहुल गांधी, मालू जी लगता है आप मेरी आवाज नहीं सुन रहे। मैं कह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री तो आपने चयन किया क्योंकि तब तक आपके पास मेजोरिटी थी, जब चुनाव जीत चुके थे आप, लेकिन जब प्रत्याशी का चुनाव किया जा रहा था, जिन्हें चुनाव लड़ना था उनका चुनाव तो जाति के आधार पर ही हुआ था। हम देने में भी नहीं की, हम ये बता रहे हैं हमने वास्तव में तो कि आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए, अल्पसंख्यकों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए, स्वावलंबी बनाने के लिए। आप मुद्दे से भटक रहे हैं आप मालू जी, हमारा सवाल कुछ और है। आज हम डिस्कशन भी कुछ और कर रहे हैं, हम डिस्कशन कर रहे हैं कि जिस तरीके से मऊ में राहुल गांधी ने जाति कार्ड, दलित कार्ड खेला है, उन्होंने कहा है कि युवाओं को जात पात से ऊपर उठना चाहिए, मैं इस पे बात कर रहा हूँ आपसे। आज उनकी जन्मस्थली पावन जन्मस्थली को
स्थली को उन्होंने जाकर और कलुषित किया है। मालू जी लगता है अपनी बात याद करके आए हैं, बता के सुना के ही जाएंगे। मालू जी आपसे बाद में बात करेंगे। कांग्रेस नेता हमारे साथ, समाजवादी पार्टी के नेता डॉक्टर यशवीर सिंह भी हमारे साथ बैठे हुए। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे आपको, जिस तरीके से अभी बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि हमने जो इन जगह मुख्यमंत्री का जो चयन किया है वो जात पात से ऊपर एक जो कुशल जो प्रशासक थे उनको किया है, लेकिन चुनाव की राजनीति जब आती है, मैं केवल बीजेपी या कांग्रेस के नाम आपकी पार्टी की भी बात करूंगा, आपकी पार्टी में भी जो प्रत्याशियों का चयन होता है उसी आधार पे होता है। कह देता हूं बहुत कड़वी सच्चाई है, कोई पार्टी आज की तारीख में इस देश में अफोर्ड नहीं कर सकती बगैर जात का कार्ड खेले। कोई भी आज ये कहें सिद्धांत के तौर पर कि हम जाति विहीन राजनीति दे सकते हैं, किसी पार्टी में दम नहीं। तो क्या मतलब ये समझ लिया जाए चलता रहे आज नहीं है ये संभव, कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह से शुरुआत तो करनी होगी। पंकज जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। मैं किसी राजनीतिक दल विशेष पर कोई अच्छी टिप्पणी भी नहीं करना चाहूंगा और बुरी टिप्पणी भी, लेकिन एक सच्चाई यह है अभी अभी जो संसदीय चुनाव व्यतीत हुआ है 2014 में, वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जब चुनाव अभियान पर जा रहे थे तो उस समय कभी भी जाति पाति की बात नहीं करते थे, और पूरा देश विकास के नाम पर, एक अराजकता के विरोध के नाम पर पूरा देश एकजुट हो गया था। किसी को यह उत्सुकता नहीं थी, कोई यह जानने के लिए उत्सुक नहीं और बेचैन नहीं था कि मोदी आखिर किस जाति से आते हैं, किस जाति का नेतृत्व करेंगे, लेकिन पूरा देश एक ऐसा वक्त आया विकास के नाम पर एकजुट हुआ, अच्छाई के नाम पर एकजुट हुआ, एक सपनों के भविष्य के नाम पर एकजुट हुआ। ऐसा समय आया है, इस तरह से सच्चाई को नकारना नहीं चाहिए, बल्कि बुलंद हौसला हो, ईमानदारी हो और तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के, जो तेजस्वी होता है, सचमुच मसीहा होता है, सचमुच समाज में परिवर्तन करना चाहता है, वह अपने आचरण से दिखलाता है कि मैं किस तरह के समाज का निर्माण करना चाहता हूं, मैं किस तरह के राष्ट्र का निर्माण करना चाहता हूं। यह समय पर आकर राजनीतिक दल, चूंकि इतना विषाक्त वातावरण हो चुका है, राजनीतिज्ञों ने इतना बिगाड़ दिया है, जात पात में समाज को इतना बांट दिया है, क्षेत्रवाद, भाषावाद, जातिवाद, और यह सीजन शुरू हो रहा है और इस सीजन में जातियों की रैलियां निकाली जा रही है, इसका क्या औचित्य है? लेकिन मैं जानना चाहूंगा टिकट बांटते वक्त बीजेपी ने क्या जात का फैक्टर कंसीडर नहीं किया? एक एक टिकट बीजेपी ने जात के नाम पर दिया, जब टिकट का बंटवारा जात के नाम पर हो गया तो वोट मांगते वक्त जात का जिक्र करने की जरूरत नहीं होती। जी यशवीर जी, आपके सवाल का भी उत्तर लेंगे, लेकिन उससे पहले जिस तरह से दलित अब सिर्फ एक वोट बैंक बनकर रह गए हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने अब जो एक नई चर्चा शुरू की है महू से, उसी पर हमने प्रतिक्रिया लेनी चाहिए कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला से, क्योंकि उनसे खास बातचीत की हमारी संवाददाता नीलम शुक्ला देवांगन ने। राहुल गांधी ने कल मऊ में सभा की, अब उन पर इल्जाम ये लग रहे हैं कि उन्होंने जाति कार्ड खेलने की कोशिश की है। हमारे साथ रणदीप सुरजेवाला हैं। सुरजेवाला जी, कांग्रेस पर आरोप लग रहा है कि मऊ में जाकर सभा तो की आप लोगों ने, लेकिन किसानों के बहाने जाति कार्ड खेलने की कोशिश की। किसने ऐसा कहा? हमने कम से कम ऐसा नहीं सुना, और जो लोग ऐसा कह रहे हैं हमारा उनसे सादर निवेदन है कि या तो उन्हें समझ की कमी है या वो जानबूझकर समझना नहीं चाहते। राहुल जी ने जो कहा, ना केवल उन्होंने बाबा साहब को अपनी श्रद्धांजलि दी, ना केवल बाबा साहब को ग्लोबल आइकॉन बताया, पर यह भी कहा कि बाबा साहब की लड़ाई जाति रहित समाज की थी, अन्याय के खिलाफ थी। जहां अन्याय होगा, जहां जहां भेदभाव होगा, वहां वहां बाबा साहब के सिद्धांत काम आएंगे। और आज भी सब समाचार पत्रों ने दिखाया है कि राहुल जी ने जाति के खिलाफ और जातिवाद के खिलाफ लड़ाई की बात कही है। अगर जाति कार्ड की बात करें तो आपको क्या लगता है कि भारतीय राजनीति में कितना मायने रखता है? आपको क्या लगता है क्या खत्म होना चाहिए दूसरे? मुझे नहीं लगता कि किसी राजनीतिक दल को इसमें गुरेज होना चाहिए या किसी सामाजिक व्यक्ति को गुरेज होना चाहिए। जातिवाद ने हमारे समाज को पीछे लेकर गया है, जातिवाद की वजह से समाज में बहुत सारी भ्रांतियां और कमियां आई हैं। सुरजेवाला का कहना है कि राहुल गांधी ने जातिवाद के खिलाफ बात कही है और जो लोग उन पर ये आरोप लगा रहे हैं वो उनकी कमी है। इसके अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता विजय सोनकर शास्त्री का राहुल के दलित कार्ड पर क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। राहुल गांधी ने अपने एक भाषण में साफ किया है कि अंबेडकर जातिवाद समाप्त करना चाहते हैं। आइए हम इस पर बात करते हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता विजय सोनकर शास्त्री। शास्त्री जी, जिस तरह से राहुल जी ने बोला है
कि जातिवाद खत्म करना चाहते हैं, क्या कुछ कहें? राहुल गांधी जब सड़क पर आ गए, जब उनकी कांग्रेस सड़क पर आ गई, तब उन्हें अंबेडकर का याद आ रहा है। ये एक्चुअल अंबेडकर को याद नहीं कर रहे हैं, बल्कि अंबेडकर को का नाम लेकर के दलितों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। इनके कार्यकाल में, यानी इनके समय में, जब इनकी सत्ता थी, शासन था, इन लोगों का राज था, ऐसे समय में भी कांग्रेस ने कभी उनको याद नहीं किया, भारत रत्न उनको नहीं दिया। इतना ही नहीं, डॉक्टर अंबेडकर के संबंधित जितने स्मारक हैं, चाहे उनके जन्म स्थान का हो, चाहे उनके दीक्षा भूमि का हो, या जहां उनका अंतिम समय अंतिम संस्कार हुआ, या जहां वो पढ़ते लिखते थे, ऐसे कोई भी जगह कांग्रेस ने एक रुपए खर्च करके उसका उद्धार नहीं किया था। वो सारा का सारा काम भारतीय जनता पार्टी ने किया था। लेकिन सर, जहां तक पॉलिटिक्स की बात है, सारे दल जो है वो ज्यादातर जातिगत पॉलिटिक्स जो है वो करते हैं, क्या लगता है दलों को एक साथ होना चाहिए और इस पे कुछ विचार किया जाना चाहिए? देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, भारतीय जनता पार्टी अभी पिछला चुनाव देश में हुआ था, केवल और केवल विकास के मुद्दे पर हुआ था। जाति पंथ संप्रदाय और इस प्रकार की जो भी व्यवस्थाएं थी, सब चूर चूर हो गई थी। और भारतीय जनता पार्टी कभी भी, इतिहास है कि कभी भी जाति और पंथ और संप्रदाय और तुष्टिकरण के आधार पर चुनाव नहीं लड़ती है। तो ये थे सोनकर शास्त्री जी, ने साफ तौर पर कहा कि बीजेपी जो है, जो सिर्फ विकास के नारे पर काम कर रही है, और बीजेपी लगातार जो है, जो जातिगत आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं, जात को लेकर जो राजनीति होती है उसे समाप्त कर रही है। तो फिलहाल हमारे साथ नए मेहमान जुड़ चुके हैं हमारे कार्यक्रम में। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं रमेश सिंह, राष्ट्रीय महासचिव हैं अखिल भारतीय क्षत्रिय कल्याण समिति के, और उन्हीं से हम सवाल करेंगे। रमेश जी, आपको क्या लगता है कि क्या राजनीतिक पार्टियों ने अंबेडकर का सिर्फ इस्तेमाल किया है? जी मैम, बिल्कुल सही कहना है आपका कि जब से देश में परंपरा बनी है कि जाति पे राजनीति करने का, अभी भारतीय जनता पार्टी के से बात कर रहे थे भाई साहब कि बीजेपी ने कभी ऐसा नहीं किया। मेरा ये कहना है कि जातिगत न होनी चाहिए पार्टी। जी तौशीफ खान भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, बहुजन समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उनसे हम अब उनकी राय लेना चाहेंगे। तौशीफ जी, अगर देखा जाए तो आपने अंबेडकर साहब को आपकी पार्टी ने प्रतीकात्मक रूप से अपना बना लिया, लेकिन ये हमारी विडंबना रही कि आपने भी उनका इस्तेमाल सिर्फ जाति सूचक राजनीति के लिए किया। इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता, मैं सहमत नहीं रखता। देखिए, पूरे भारतवर्ष में जितनी भी पार्टी रही हैं, बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर, बाबा भीमराव अंबेडकर का इन्होंने सिर्फ नाम इस्तेमाल किया और दलितों को वोट के रूप में इस्तेमाल किया। अगर ये लोग ईमानदारी से, कांग्रेस हो या भाजपा हो, अगर ये ईमानदारी से बाबा भीमराव अंबेडकर को वो सम्मान जिसके हम हकदार हैं वो दिए मिल जाता, तो क्या हमें बहुजन, क्या हमारी बहन मायावती को बहुजन समाज पार्टी की स्थापना करने की आवश्यकता पड़ती? जी नहीं। तौशीफ जी, आप ऐसा नहीं कह सकते कि पूरे हिंदुस्तान में जितनी भी राज, तौशीफ जी, तौशीफ जी एक चीज बताइए, जिस तरीके से मायावती राजनीति में प्रवेश करती हैं एक अपने दलित कार्ड के रूप में, और सोशल इंजीनियरिंग के जरिए जो है वो सत्ता हासिल करती है, क्योंकि दलित अकेले अपने बूते पे सरकार बनाने में कामयाब नहीं है, तो उन्होंने दूसरी जाति को भी जो है अपने फार्मूले में उन्होंने सेट किया और उसके बाद सत्ता की कुर्सी तक पहुंची। तो कहीं ना कहीं क्या आप जो बीएसपी की जो राजनीति है, क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये फेवर करती है जातिवाद को? आप भी जिस तरीके से कह रहे हैं उससे तो यही संदेश जा रहा है सीधा कि जातिवाद की राजनीति खत्म नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर यशवीर जी भी हमारे साथ हैं, उनका भी शायद इसी तरीके का की सोच है कि जातिवाद की राजनीति खत्म नहीं हो सकती या खत्म नहीं होना चाहिए। यशवीर जी, आपसे भी जवाब देंगे, पहले खत्म होना, पहले तौशीफ जी से जानना चाहिए। नहीं कहा कि खत्म नहीं होनी चाहिए, मैं आपकी बात का ये कड़वी सच्चाई है। बिल्कुल बिल्कुल, कड़वी सच्चाई को झुठलाने के लिए बहुत बड़े नेतृत्व की आवश्यकता है। बिल्कुल, एक चीज और, रमेश सिंह जो हमारे साथ जुड़े हैं उनसे भी पूछना चाहेंगे हम। क्षत्रिय कल्याण परिषद के वो सदस्य हैं, अध्यक्ष हैं। रमेश जी, क्या आप सुन पा रहे हैं हमको? हाँ बिल्कुल सुन पा रहे हैं, आपकी आवाज आ रही है। रमेश जी, ये बताइए, अभी जिस तरीके से जातीय मंच तैयार किया जा रहा है, एक तरफ तो जो नेता है वो कह रहे हैं कि जात पात खत्म होना चाहिए, और मुझे लगता है कि आप भी चाहेंगे कि जात पात समाज से खत्म हो, लेकिन यदि आप चाहते हैं कि जात पात खत्म हो तो फिर जात के नाम पे ये संगठन और ये मंच बनाने की क्या मकसद क्या है इसके पीछे? जी नहीं,
ये राजनीतिक इसका माहौल नहीं है, ना ही राजनीतिक समीकरण के माध्यम से है। राजनीति में जो आए दिन ये परंपरा बनती चली आ रही है कि जात के नाम पर, व्यक्ति विशेष की पार्टी के नाम पर वोट मांगने की राजनीति की जाती है, ये बंद होनी चाहिए। इससे देश में बहुत ही विखंडता आने की संभावना है, जो हो रहा है सभी इसका परिणाम देख भी रहे हैं। ये चीज बंद होनी चाहिए, हम लोग इसकी वकालत नहीं करते हैं। नहीं, जब सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि जाति के आधार पर गणना नहीं हो सकती, जब सेंसस में जाति आधार पर हम गिनती नहीं कर सकते, तो फिर जाति के आधार पर मंच बनाने की क्या जरूरत है? मुझे लग रहा है कि इस पे भी विचार होना चाहिए। संजय जी, क्या लगता है, विचारक के तौर पर क्या कहेंगे आप? गेश जी, राजनीतिक लाभ लेने के लिए हारे हुए जो राजनीति के धुरंधर लोग हैं, समाज में जो इंजीनियरिंग करना शुरू कर देते हैं, तो सबसे पहले टारगेट में जाति को लेते हैं और जातियों का विभाजन करते हैं। राजनीति में भी इतिहास साक्षी है कि समय समय पर सचमुच राष्ट्रीय निष्ठा के साथ, सचमुच भारतीयता के साथ, सचमुच मानवीय मूल्यों के साथ कोई भी नेतृत्व खड़ा हुआ है तो जाति से ऊपर उठकर इस देश में भी मतदान हुआ है, चुनाव और चयन भी हुआ है। बार बार हम इतिहास को दोहराकर देख सकते हैं, लेकिन इधर इतने लोग कमजोर हो गए हैं, उसके पीछे उनका एक हिडन एजेंडा होता है, उसके पीछे उनकी अपनी लालसा होती है सत्ता पर एन केन काबिज हो जाना, और अन्य जातियों के लोग या समग्र समाज पूरा जिसके नेतृत्व में विश्वास करता है उससे उसको कैसे तोड़ा जाए, तोड़ने का बात। संजय जी, आपके पास हम वापस आएंगे, बहुत देर से गोविंद साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। जी गोविंद जी, भारत की जनता ने शुरू से इस तरह की जाति व्यवस्था को, इस तरह वर्ग और भाषाई संघर्ष की भावना को नकारा है। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो कहती है वो करती है। कांग्रेस ने लगातार बात की अल्पसंख्यकों की, बात की दलितों की, और ब्राह्मणवाद और ठाकुरवाद की पॉलिटिक्स में कांग्रेस उलझ कर रह गई। जो है वो दिख नहीं रहा है, जो नहीं है वो दिख रहा है। इसके अलावा बसपा ने ये कहा कि तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार, आखिरकार इस बात से हटना पड़ा और सभी समाज को साथ में लेने के लिए उनको बाध्य होना पड़ा। तो ये देश का एक सांस्कृतिक ताना बाना है कि सभी जाति धर्म और समुदाय के लोग एक साथ लेकर चल के, और भारत की विविधता में एकता की जो बात की जाती है उसके तहत भारत के विकास का जो दृष्टि है उनको जनता नवाजती है। इसीलिए चुनाव के परिणाम इस बात के सबक है कि जो मुस्लिम डोमिनेटेड पॉलिटिक्स, जो दलित डोमिनेटेड पॉलिटिक्स करते हैं, जो ब्राह्मण डोमिनेटेड करते हैं, जो ठाकुर डोमिनेटेड करते हैं, उनको करारा सबक जनता ने सिखाया है और ये कहा है विकास डोमिनेटेड पॉलिटिक्स करो, आप विकास की और उन्मुख राजनीति करो। जो हमारे युवा हैं उनकी बेरोजगारी दूर करने के लिए, के कैरियर को आगे बढ़ाने के लिए, और भारत के हमारे साथ एक कॉलर और जुड़ चुके हैं, उनकी भी राय जानते हैं कि आखिरकार जाति की राजनीति पर वो किस तरह से अपना पक्ष रखते हैं। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर और बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां, अभी से राजनीतिक पार्टियां अपनी सियासी रूटियां सही में स्टार्ट हो चुकी हैं, उसमें चाहे राहुल गांधी का दौरा हो, अम्बेडकर को लेकर अपनी राजनीति शुरू कर रहे हैं, लेकिन जनता इस चीज को देखती है कि दलित की राजनीति हो रही है या फिर वोटर राजनीति हो रही है। इसको लेकर दलितों को लेकर जो भी पार्टियां अपना घोषणा करती है उसको लेकर कोई। गोविंद मालू जी से ही मेरा सवाल होगा, यहाँ अंबेडकर साहब को अपना बनाने की पंक्ति में हर कोई खड़ा हुआ है, हर राजनीतिक पार्टी है, लेकिन उनका जो सपना था कि हमारे देश में जात पात के आधार पर कोई भी फैसला ना हो, उनके इस सपने को पूरा करने की पहल कौन करेगा? उनको सपने को पूरा करने की पहल सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी, पूर्ववर्ती जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने की है। अंत्योदय, अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति, मतलब वही कि जो पिछड़ा है, गरीब है, वो जो दलित है, उनका उद्धार करने का बीड़ा, ये देखिए कृतित्व में होना चाहिए। आपके कहने से, ये केवल कार्ड खेलने से कुछ नहीं होता, आप गार्ड हैं, इस बात के रक्षक हैं कि उनकी रक्षा कैसे की जाए, उसके लिए योजनाओं को जमीन पर उतार कर उनको कैसे उनका विकास हो, उनका आर्थिक स्वावलंबन, उनका सामाजिक स्वावलंबन कैसे हो, इस दिशा में भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने काम किया है। यशवीर जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी और बहुत ही संक्षेप में मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि क्या अब सिर्फ जाति कार्ड या दलित कार्ड ही जीत का भरोसा बन गया है हर एक पार्टी के लिए? कांग्रेस को जैसा नहीं मानते, जनता पार्टी जैसा
हमारे साथी ने कहा कि कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि जाति कार्ड फेल हुए, लेकिन वो एक्सपेरिमेंट दोबारा रिपीट कभी नहीं हुए जी। हुए कभी, वो विशेष घटनाएं थी। उस तरह का मनोबल से भरा नेतृत्व तो नहीं बरकरार है, वही मैंने वही कहा आया है, मैं वही कहा था इस बात कि जैसे समाज के सामने सवाल होते हैं समाज उसी तरह रिएक्ट करता है। हमने इंदिरा गांधी के सामने अंबेडकर साहब सुमिता अंबेडकर को चुनाव लड़ाया जी, मैं चुनाव में रहा, मुझे याद है किसी हरिजन ने वोट नहीं दी बिल्कुल उत्तर प्रदेश में। मुकेश जी बहुत विनम्रता से एक उदाहरण देना चाहूंगा, संत रविदास की जयंती राजनीति के लोग भी मना रहे हैं, लेकिन संत रविदास की चेतना, उनका सामाजिक दृष्टिकोण, उनका मानवीय मूल्य आखिर कितने प्रतिशत लोग समझ रहे हैं? बिल्कुल सिर्फ मूल्यांकन करते हैं, यही वे रहदास हैं, वो उस दलित जाति अंबेडकर की बात साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, छत्राणी की, छत्राणी थी मीराबाई और मीराबाई रैदास जी के, रविदास जी के ज्ञान से प्रभावित थी, उनके संतप्त से प्रभावित भी थी, उनका चरण धोकर पखार कर चरणामृत का पान किया करती थी, उसके सामने सिर्फ ज्ञान था, उसके सामने सिर्फ व्यक्तित्व था। ऐसे समाज की स्थापना होनी चाहिए और इनके भीतर, राजनीतिज्ञों के भीतर वह संकल्प होना चाहिए, मनोबल होना चाहिए। नहीं, मैं मानता हूँ, लेकिन मीराबाई ठीक है, मीरा कितनी मीराबाई देश में है, पाते हैं सम्मान तकोवल से भूतल पर शूर, जाति जाति का शोर मचाते कायर क्रूर जी। तो जाति की राजनीति पर लोगों का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। हम लोग जो वोट देते हैं, हम लोग ये सोचते हैं कि हम लोगों का इसमें फायदा होगा, महंगाई कम होगी और पेट्रोल के दाम कम होंगे, लेकिन जब से बीजेपी को जातिवाद के नाम पर वोट मिला है और जितनी भी सरकार आई है, सिर्फ और सिर्फ महंगाई बढ़ गई है। दाल की कीमत जहाँ 60 रुपए थी अब 110 रुपए किलो है। सर हम ये चाहते हैं कि मतलब जो भी राजनीति हो साफ सुथरी हो, अच्छी हो, जो समझ में आए। मतलब नॉर्मली ये होता है कि मतलब अपनी अपनी पार्टी के चक्कर में ज्यादा रहते हैं, अपने सब पैसा कमाने के चक्कर में रहते हैं, ये नहीं चाहते। मतलब वो तो सबके प्रॉफिट सबको होगा, ऐसा नहीं कि लॉस कोई नहीं होता, लेकिन साफ सुथरी राजनीति होनी चाहिए, बस ये चाहते हैं। जातिवाद की राजनीति नहीं होनी चाहिए, सिर्फ विकास के ऊपर ध्यान देना चाहिए, विकास हो जिससे सबका विकास हो। सर आज का युवा ये चाहता है कि सरकार को अपना ध्यान सिर्फ डेवलपमेंट की तरफ लगाना चाहिए, कास्टिज्म वगैरह सब हटानी चाहिए जिससे सबको इक्वल मौका मिले। जातिगत राजनीति तो अब ऐसा टाइम आ गया कि होना ही नहीं चाहिए, ये तो हमारे ऊपर है, हम इस चीज को बहुत पहले ही खत्म कर देना चाहिए, पर ये हम ही है जो आज तक इसे घसीटते हुए ले आ रहे हैं। तो अगर ऐसी गवर्नमेंट हम लोग चूज कर रहे हैं जो कि सिर्फ इसी चीज के ऊपर बेस्ड है, तो वो हमारे लिए सही नहीं। अगर हमें आगे एडवांस और होना है, आगे हमें डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री में चेंज होना है, तो इट्स आवर ड्यूटी। तौशीब भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। तौशीब जी, यही सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्या अंबेडकर साहब का सामाजिक बदलाव को लेकर देखा गया सपना कभी पूरा हो पाएगा? बिल्कुल, इंशाल्लाह जरूर ये सपना पूरा होगा, और हिंदुस्तान में ये सपना सिर्फ हमारी बहन मायावती बहुजन समाज पार्टी ही पूरी ईमानदारी और पूरी निष्ठा और पूरी ईमानदारी के साथ करेगी। हमारे पास तौशीब साहब, हमारे पास समय की कमी है और हमारे जितने भी मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सबसे आखिरी कमेंट लेना चाहेंगे, शुरुआत करेंगे डॉक्टर यशवीर जी बताए आखिरी में क्या कमेंट कहेंगे, क्या जात पात की राजनीति की शुरुआत तो काफी पहले हो चुकी थी, मऊ में जो हुआ है राहुल गांधी ने कहा है, उससे क्या आखिरी कमेंट क्या देना चाहेंगे? मैं यही कहूंगा, जब तक देश में जाति प्रथा और समाज में वर्ग प्रथा रहेगी, राजनीति कभी इससे विहीन नहीं हो सकती, चाहे कोई कितना ही बड़ा लीडर इसके लिए। जाति की सुनिए, जाति की परिभाषा है द ग्रुप विच मैरिज अमंग देमसेल्फ, जब तक वो नहीं तोड़ोगे जाति विहीन समाज नहीं बन सकता, और जाति विहीन अगर समाज नहीं बना सकते तो इसकी पहल कौन करेगा? इसकी पहल कौन करेगा? राजनीतिक पार्टियां ही इसकी पहल करेगी। सरकार में आप रहते हैं, सुनो, सत्ता आप रहते, जनता आपकी सुनती है, वोट मांगने आप जाते हो, तो पहल भी राजनीतिक पार्टियों करनी होगी। मैं यही सबसे पहले कहा था, बुनियादी अंबेडकर साहब ने अगर अगर पहले दिन यह लिख दिया जाता कि भारत में सरकारी नौकरी उसी को मिलेगी जो इंटरकास्ट शादी करेगा, अंग्रेजों ने 10% सुनिए, अंग्रेज ये तो हो नहीं पाया। हम आगे क्या करेंगे, हम उसकी बात करेंगे, हमारे पास समय की कमी है। यशवीर साहब, आखिरी कमेंट हम समझ गए आपकी बात। संजय जी, उसके बाद हम भारत को देख रहे हैं, आज हम बात कर रहे हैं, और हमें निराश होने की जरूरत नहीं, बाबा साहब के सपने पूरे होंगे, बार बार पूरे होंगे, हम उसमें क्यों बल्कि पहल करने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल संजय जी, हमारे पास का और विश्व बंधुत्व, हमारे पास समय की कमी है, हम अपने सारे मेहमानों को जो इस प्रोग्राम में आज वंदे मातरम में हमारे साथ जुड़े उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन प्रोग्राम खत्म हो रहा है हमारा, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि हम आपको छोड़े जाते हैं पब्लिक पंच के साथ। नमस्कार। अब ये तर्क कौन दे रहा है कि दिल्ली के वोटर्स को पहले ही पता था
कि आप पार्टी में ही पक्ष और विपक्ष दोनों मौजूद है, इसलिए ही बीजेपी की दिल्ली में जरूरत नहीं समझी गई और वो हार गई। जेल से बाहर आने पर जयललिता का चेहरा काफी खराब हो चुका था। परेशान जयललिता ने डॉक्टर को बुलाया और कहा, मेरे सुंदर चेहरे को ठीक करने का कोई उपाय है आपके पास? डॉक्टर ने चेहरा देखा और कहा, चेहरा तो सुंदर हो जाएगा मगर फीस बहुत लगेगी। जयललिता डॉक्टर से बोली, कोई ऐसा उपाय करिए जिसमें ज्यादा खर्चा ना आए। थोड़ी देर सोचने के बाद डॉक्टर ने कहा, एक उपाय तो है, आप बस घूंघट करना शुरू कर दें। धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। कैंट दे 100% सेफ पानी और बीमारियों से छुट्टी। कैंट में है डबल प्योरिफिकेशन आरओ और यूवी से। कैंट देता है सबसे शुद्ध पानी। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। सामाजिक सुरक्षा का हुआ विस्तार, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति और अटल पेंशन योजनाएं लेकर आई सरकार। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 12 रुपए के वार्षिक प्रीमियम पर पाएं 2 लाख का दुर्घटना बीमा। 18 से 70 वर्ष तक के आयु वर्गों के लोगों को मिलेगा इसका लाभ। वहीं 330 रुपए की वार्षिक प्रीमियम पर जीवन ज्योति योजना का लाभ उठाएं। इस योजना में भी होगा 2 लाख का बीमा। 18 से 50 वर्ष तक के आयु वर्गों के लोग बीमा कराएं। अटल पेंशन योजना में है खास बात, जब आप होंगे 60 साल के तो निर्धारित जमा राशि में से मिलने लगेगी पेंशन। उम्र की सीमा है 18 से 40 वर्ष तक। कैंट आरओ है डॉक्टर्स का रेकमेंडेड नंबर 1 वाटर प्यूरिफायर। और कैंट आरओ को मिले हैं दुनिया